नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। भारतीय जनता पार्टी बोरीवली विधानसभा के विधायक सुनील राणे ने जनता से संवाद साधने हेतु बोरीवली परिक्रमा जनसंपर्क अभियान की शुरुआत स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर यह देखिए माल्यार्पण करने के साथ शुरू किया है। 10 अगस्त से शुरू हुआ यह जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम बोरीवली के सभी वार्डों में होते हुए गुजरेगा। वार्डों के जनता से वह सीधा संपर्क कर समस्याओं को जानेंगे, इसी बात विधायक सुनील राणे ने कही है। पेश है खास रिपोर्ट। सामने देखिए इधर, ये जनसंपर्क अभियान आज से हम शुरू कर रहे हैं। ये अभियान आने वाले एक महीने तक चलेगा और विशेष रूप से बोरीवली में पिछले कई महीनों से जो कोरोना काल की समस्या और पूरे विश्व में जो कोरोना महामारी चली हुई है उसके देखते हुए बहुत सारे नागरिकों की समस्याएं प्रश्न लगातार बने रहते हैं, वो हमारे पास आते हैं, हम छुड़ाते हैं। लेकिन बोरीवली परिक्रमा एक ऐसा विषय है जो हम गलियारों से लोगों से मिलते हुए लोगों के प्रश्न समझते हुए और लोगों की समस्याएं जो लोग अपने कार्यालयों तक या अपने को मिलते हुए कभी ना कभी ऐसा लगता है उनको कि अपने विधायक अपने गली में अपने अपने बस्तियों में आना चाहिए। पिछले पौने दो वर्षों से हमने लगातार ये प्रयास किया कि लगातार हमने संपर्क बनाए रखा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 7 वर्षों का कार्यकाल और पूरे देश में आधुनिक भारत की जो लहर बनी हुई है उसके बारे में जो कार्यक्रम हुए, जो योजनाएँ हुई, जो गरीब जनता के कल्याणकारी योजनाएँ लोगों तक पहुँचाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया उसको समझाने के लिए ये जनसंपर्क अभियान है। जैसा हम सभी ने देखा कि ओलंपिक के खेल में बहुत सारे हमारे खिलाड़ियों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन कितने लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि 2015 के पश्चात लगातार प्रधानमंत्री जी ने सभी खेलों के ऊपर और खिलाड़ियों के ऊपर विशेष मेहनत करने के लिए अपने खेल मंत्रालय को लगा के रखा था। हमने देखा कि एक सुवर्ण मिलने के बाद पूरा देश उमड़ के बाहर आया, यानी नीरज चोपड़ा का एक सुवर्ण पूरे देश को अगर आगे आने वाले समय के लिए खेलो इंडिया के माध्यम से आगे बढ़ाता है। ऐसे बहुत सारे विषय, अन्न सुरक्षा योजना के तहत करीबन 85 करोड़ जनता को अनाज मिले करके प्रयास करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जगह जगह पे स्वच्छता अभियान के माध्यम से एक संदेश देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी, अटल बीमा पेंशन योजना के तहत महिलाओं को विशेष रूप से आरोग्य की सेवा मिले, सुविधा मिले करके अलग अलग बीमा पेंशन योजना देने वाले प्रधानमंत्री, उसी के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के साथ आयुष्मान भारत जहां पर 5 लाख रुपयों की निधि की आरोग्य की योजना हमारे गरीब परिवार तक पहुंचाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री प्रयत्न करते हैं, तो ये एक नई पहल है, नई दिशा है। कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि लोगों के साथ जाना चाहिए, मिलना चाहिए, उनकी समस्याएँ सुनना चाहिए, वो भी तैयार होते हैं और इसके लिए ये बोरीवली की परिक्रमा हमने शुरुआत की। विपक्ष, बीजेपी के विपक्ष ने आरोप लगाया है बोरीवली के नेताओं ने कि महानगर पालिका का चुनाव आ रहा है, भाजपा ज़्यादा लोगों के बीच में रही नहीं है, उसको देखते हुए भाजपा वाले इस तरह का रैली कर रहे हैं। अब इसका उत्तर ऐसा है कि भाजपा अगर लोगों में रही नहीं है तो आज नहीं बल्कि 1978 से लेके आज तक लगातार बोरीवली में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और वैसे आदरणीय रामबाबू नाइक जी से लेके आदरणीय गोपाल शेट्टी जी तक लगातार इतने वर्षों के कालखंड में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोगों ने, बोरीवली ने नहीं बल्कि उत्तर मुंबई ने विशेष रूप से प्रेम किया है। और ये विशेष रूप से प्रेम इसके लिए है कि लगातार रामबाबू नाइक जी से लेके हेमेंद्र मेहता, फिर गोपाल शेट्टी जी, फिर विनोद तावड़े और फिर मैं, हम लगातार लोगों के संपर्क में रहते हैं। देखो, आलोचना करनी है तो लोग आलोचना करते रहते हैं, अगर ऊंची इमारत मुझे ऊंची नहीं दिखती है तो
तो मैं उसको कुछ नहीं कर सकता हूँ वो, लेकिन इमारत ऊंची होती ही है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से लोगों में ही रहती है। आज विचार करो, 15 अगस्त आने वाला है, इस देश को आज़ादी के पश्चात 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं, और इस देश को आज़ादी मिलने के पश्चात इस देश के ऊपर राज अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने, ये बात हम सब जानते हैं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो 6 वर्ष, उसके पश्चात आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ये 7 वर्ष, और बीच में जो प्रधानमंत्री हुए थे, एकाधे ऐसे प्रधानमंत्री थे जो 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ, किसी ने 2 वर्ष का किया होगा, लेकिन ज़्यादातर समय इस देश में अगर राज किसी का हुआ तो कांग्रेस का राज हुआ। 55 वर्षों के पश्चात आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इतनी योजनाएं लोगों के सामने लाए जा रही है, और इसके लिए जो विरोधक है वो आलोचना लगातार करते हैं, लेकिन आपने क्या अच्छा किया जब आपकी सरकारें थे ये तो बताएं। और इसके लिए जो लोग चर्चाएं करते हैं उनके पास मुद्दे नहीं होते, और जिनके पास मुद्दे होते हैं वो चर्चा नहीं करते, वो लोगों तक पहुँचते हैं। इसके लिए हम हमारा काम करेंगे, आप लोग अपना काम करें, और आने वाले समय में निश्चित रूप से एक नया भारत, इसका संकल्प करते हुए हम आगे बढ़ेंगे।